झज्जर जिले में बढ़ रही महिला अपराध को रोकने के लिए अब झज्जर पुलिस भी हाईटेक हो गई है। महिलाओं को अब सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए पुलिस ने FIR यानी फर्स्ट इमीडिएट रिस्पांस ऐप शुरू कर दिया है। इस ऐप की खास बात यह है कि ये बिना इंटरनेट के भी काम करेगा और मदद मांगने वाली महिलाओं को कुछ ही सेकंड में सुरक्षा मुहैया करवा सकेगा। आपको इस ऐप को अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल करना होगा और खतरा महसूस करने पर इसे कहीं से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आज के आधुनिक युग में एक तरफ जहां अपराधी टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, तो वहीं अब ऐसे ही शातिर अपराधियों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए पुलिस भी हाईटेक हो रही है। झज्जर पुलिस ने महिलाओं को सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए FIR यानी फर्स्ट इमीडिएट रिस्पॉन्स ऐप की शुरुआत की है। इस ऐप को इंस्टॉल करना बेहद आसान है। आप इसे अपने एप्पल या किसी भी एंड्रॉइड फोन में प्ले स्टोर से डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करते वक्त यूजर को अपना मोबाइल नंबर और नाम इस ऐप पर रजिस्टर करना होगा। जब भी आपको कभी खतरा महसूस हो तो आप इस ऐप का सहारा ले सकते हैं। FIR यानी फर्स्ट इमीडिएट रिस्पॉन्स ऐप पर दिखाई देने वाला लाल रंग का बटन दबाने से ये ऐप आपकी लोकेशन और ब्यौरा पुलिस कंट्रोल रूम तक पहुंचाएगा। झज्जर के SSP बी सतीश बालन का कहना है कि सुरक्षा महिलाओं का एक बुनियादी अधिकार है और जिले भर की सभी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये मोबाइल एप्लीकेशन बनाई गई है। उनका कहना है कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं। महिलाओं की बढ़ती भूमिका के बीच उन्हें कभी कभी सुरक्षा की चिंता भी रहती है। ऐसे में महिलाओं तक तत्काल सुरक्षा पहुंचाने के लिहाज से झज्जर जिले में इस ऐप की शुरुआत की गई है। जब भी कोई महिला इस ऐप का बटन दबाएगी तो पुलिस कंट्रोल रूम उसकी लोकेशन के पास ही तैनात PCR गाड़ी और पुलिस स्टेशन को सूचना देगा और पुलिस की टीम तुरंत एक्शन लेते हुए मुसीबत में फंसी महिलाओं तक सहायता पहुंचाने का काम करेगी। SSP बी सतीश बालन का कहना है कि जिन महिलाओं के पास स्मार्टफोन नहीं है वो हेल्पलाइन नंबर 1091 या 100 नंबर का प्रयोग भी कर सकती हैं। सतीश बालन ने महिलाओं को इस ऐप को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने का आह्वान किया है ताकि उन्हें समय पर सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। ऑलरेडी फरीदाबाद जिले में चल रहा है एक फर्स्ट इमीडिएट रिस्पॉन्स के नाम पे एक महिला विरुद्ध अपराध जो है, इसमें महिलाओं के मदद के लिए एक ऐप लॉन्च किया है हमने। इसमें काफ़ी हमारे JSP SSR उन्होंने मेहनत किया है इसको लॉन्च करने में। ये कंट्रोल रूम के साथ लिंक्ड है। इस ऐप को महिलाओं को डाउनलोड करना पड़ेगा, सो ये कंट्रोल रूम के साथ अटैच्ड है। तो ये क्या होता है कि जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे, एक बटन दबाने से तुरंत कंट्रोल रूम के साथ ये कनेक्ट हो जाएंगे। लेडी जो भी प्रॉब्लम में है, खतरे में है महिला, जैसे ही वो दबाएंगे एक बटन को तुरंत कंट्रोल रूम के साथ अटैच हो जाएंगे। सो तुरंत जो नॉर्मल जो रिस्पांस है पुलिस का, उससे जल्द ही पुलिस रिस्पांड करके आपके पास पुलिस पहुंचने में कामयाब हो जाएगी। सो इसके लिए आप मदद करेगा आपको। सो ये इसमें खास बात यह है कि इसमें इंटरनेट ना भी हो तो ये रिस्पॉन्ड करेगा ये ऐप। सो ये इसकी खास बात है। झज्जर पुलिस का ये इनिशिएटिव बेहद सराहनीय है। इस ऐप के जरिए जहां पुलिस खतरे में फंसी महिलाओं को तत्काल सुरक्षा देने का काम करेगी, तो वहीं पुलिस एंटी सोशल और क्रिमिनल एलिमेंट्स को काबू करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करेगी। झज्जर से सनी खन्ना की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।